कुरुक्षेत्र एसबीआई बैंक के सामने से बाइक हुई चोरी, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की कार्यवाही। कुरुक्षेत्र शहर में हर दिन कोई ना कोई आपराधिक घटना देखने को मिल रही है। ऐसी ही एक घटना आज दोपहर कुरुक्षेत्र शहर में घटी, जहां पर शहर में एक बाइक चोरी हो गई। वहीं बाइक के मालिक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वह करीब 2 बजे दोपहर को एटीएम में पैसे निकालने के लिए आया था और वह बाइक को एटीएम के बाहर खड़ी करके अंदर चला गया, लेकिन जब वह वापस आया तो बाइक उसे वहां पर नहीं मिली। काफ़ी देर बाइक इधर उधर ढूंढने पर भी उसे उसकी बाइक नहीं मिली, जिसके बाद उसने बैंक वाले से बात की कि बैंक वालों ने उसे पुलिस को रिपोर्ट कराने के लिए कहा, जिसके बाद वह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही भी शुरू कर दी जाएगी। क्या मामला है सर? मैं दोपहर के 2 बजे SBI बैंक के ATM में आया था, इधर फर्स्ट वाले में ही, तो मैं पैसे जमा करा रहा था, तो बाइक यहाँ SBI बैंक के ATM के बिल्कुल सामने यहाँ बाहर ही खड़ी करी थी और लॉक कर दी थी मैंने बाइक, और मैं जैसे ही पैसे जमा करा के बाहर निकला तो मेरी बाइक गायब हो गई, वो बाइक मिली नहीं। फिर मैं यहाँ सुभाष मंडी चौकी में गया, मैंने FIR दर्ज कराई उसकी, उसके बाद वो उन्होंने कहा कि भी मैंने तो FIR दर्ज कर लिया जी, मैं सुबह कार्रवाई कर लूँगा, उन्होंने पूरा सहयोग दिया। लेकिन अगर किसी भाई को भी मेरी बाइक मिले तो कृपया करके लौटा दें, अगर गलती से भी कोई ले गया है तो कृपया मेरे को इस नंबर पर फ़ोन करें, मेरा नंबर है 8999991400 और मेरा बाइक का नंबर है HR07AC2626। धन्यवाद। कौन सी बाइक थी सर आपकी? मेरी बाइक थी जी स्प्लेंडर प्लस थी जी, नवंबर 2020 में ली थी मैंने। और आपने CCTV पे कुछ जांच करवाई, पता लगा कुछ चक्री थी? जी मैं गया था स्टेट बैंक के मैनेजर के पास, तो उन्होंने CCTV तो दिखाया मेरे को, लेकिन उसमें कुछ सही से दिख नहीं रहा था, क्योंकि उन्हें पीछे से फुटेज मंगवानी पड़ेगी, तो उन्होंने भी यही बात कही कि भी पुलिस वालों पे FIR करवा दो जी आप, वो अपने आप आके अपना FIR की कॉपी लेके वो अपने आप चेक करके ले जाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम लोकेश कुमार है जी। क्या बात होगी, क्या मामला सामने? हम 2 बजे के आसपास, मैं और मेरा फ्रेंड लोकेश कुमार, SBI के ATM मशीन में कैश डिपॉजिट के लिए आए थे। जैसे ही हमने कैश डिपॉजिट कराया, डिपॉजिट कराने के बाद जैसे ही हम ATM से बाहर निकले तो हमने देखा कि हमारी बाइक यहाँ से गायब हो गई है। हमने इधर उधर देखे भी, कभी किसी ने साइड में ना कर दियो, पर उसके बाद भी हमें अपनी बाइक नहीं मिली। उसके बाद मैं और मेरा फ्रेंड लोकेश कुमार हम मैनेजर के पास गए, मैनेजर से बात की हमने CCTV फुटेज के लिए, पर उसने जितना उससे हो सका था उसने कोऑपरेट किया। कोऑपरेट करने के बाद उसने हमें बोला कि आप एक बार इसकी FIR दर्ज करवा दो। फिर उसके बाद हम सुभाष मंडी में गए, वहाँ पे हमने इसकी FIR दर्ज कराई और उन्होंने हमारी FIR लिख ली थी। उन्होंने बोला कि हम कल एक बार बैंक मैनेजर के पास जाके इसकी CCTV फुटेज दोबारा निकालेंगे और जितना भी हो सकेगा उतनी आपकी सहायता करेंगे। और हमारी बाइक का नंबर है HR07AC2626। और मेरी जितने भी भाई है, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिस भाई को भी ये गाड़ी नंबर मिलती है कृपया 8999991400 नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, और हमें सभी को आपके सहयोग की ज़रूरत है। एक छोटा सा सहयोग, आपका एक छोटा सहयोग हमें बाइक दिलवाने में मदद कर सकता है। धन्यवाद। क्या नाम आपका? मेरा आशीष कुमार। क्या बताएंगे? ये जी यहाँ से करीब 12 बजे के आसपास ATM से पैसे निकालने के लिए आए थे लड़के, इनकी बाइक यहाँ से चोरी हो गई है। अब इसमें अपना हमने रिपोर्ट दर्ज कर लिया और बाकी CCTV और अन्य सोर्सेज से बाइक को जल्दी ढूंढेंगे। क्या नाम सर आपका? कृष्ण कुमार।